तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीबोस का जो है परीक्षा का जो है कार्यक्रम जो है जारी कर दिया गया। जो भी हमारे दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है गाइज। यहाँ पर बहुत दिनों से जो स्टूडेंट सब जो अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई हमारा डेट शीट कब निकलेगा, एग्ज़ाम का शेड्यूल कब आएगा। तो गाइज, वो घड़ी आ चुकी है और एग्ज़ाम का जो फाइनली जो है डेट शीट यहाँ पर जारी कर दिया गया। तो सारा कुछ अपडेट मैं बताने वाला हूँ। जो भी हमारे दिसंबर सेशन 2022 के स्टूडेंट हैं, तो 10th क्लास का जो है यहाँ पे कार्यक्रम जो है प्रोग्राम जो है एग्ज़ाम का प्रोग्राम जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बिहार बोर्ड जो है इस बार आपका एग्ज़ाम ले रहा है, बिहार बोर्ड जो है आपका इस बार जो है एग्ज़ाम ले रहा है। तो बिहार बोर्ड जो है काफ़ी अपने अलग तरीके से एग्ज़ाम लेता है। तो गाइज, यहाँ पे देखो, ये बोर्ड अब जो है ना ये फेमस हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा, पहले तो है ना इसका न्यूज़ भी जो है पेपर में नहीं आता था। अभी गाइज देखो, ऐसा ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि बीबोस जो है, बीबोस का कोई भी डेट शीट वगैरह जो है नोटिफिकेशन जो है वो पेपर में दे दिया गया है, ठीक है ना गाइज। तो सारा कुछ यहाँ पे देखो 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 गाइज, बहुत और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी यहाँ पे क्वेश्चन रहता था कि सर ये बोर्ड वैलिड है कि नहीं वैलिड है। तो भाई, बिहार बोर्ड ले रहा है तो देख लो, तो सारा कुछ क्लियर है, ठीक है ना। ये बोर्ड बिल्कुल ही वैलिड है और सबको पता चल जाएगा, क्योंकि गाइज इनके इन्फॉर्मेशन पेपर में तो दिए नहीं जाते थे। इस बार जो है गाइज, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सारा इन्फॉर्मेशन पेपर में दिया जा रहा है और बीबोस का एग्ज़ाम जो है बिहार बोर्ड ले रहा है। तो आप लोग घबराए नहीं, ये बोर्ड भी वैलिड है और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो सारा कुछ जो है आपको वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर पे, चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि कोई कल को ये कह नहीं सकेगा कि ये बीबोस ऐसा बोर्ड है वैसा बोर्ड है। तो चलिए गाइज, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में सारी अपडेट देने वाला हूँ गाइज, और जो भी एग्ज़ाम का शेड्यूल है कार्यक्रम जो है बिहार बोर्ड जारी कर दिया गया गाइज। एक चीज़ और मैं बता देने वाला हूँ आपको, पेपर कटिंग पढ़ने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे देने वाला हूँ गाइज। आपका जो एग्ज़ाम है वो 4 अगस्त से 12 अगस्त तक थ्योरी के एग्ज़ाम होंगे, जो आपके एडमिट कार्ड पे सेंटर दिया रहा होगा, इससे उस सेंटर पे जाकर के देने होंगे। और देखो यार, पहली बार हो रहा है इतिहास। देखो, बिहार बोर्ड जो है ना बिल्कुल अभी क्या है ना कि बिल्कुल उसका पैटर्न नहीं, सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है ना। जैसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है थ्योरी के बाद में होता था, अब ये पहले हो रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है ना भाई, तो ये अपने तरीके से लेगा। और बिहार बोर्ड भाई, राजकिशोर सर का उनका अंदाज ही कुछ अलग है। उन्होंने बीएससीबी बोर्ड को जो है भाई कहाँ से कहाँ लेकर के चले गए, ठीक है ना। अब ये बीबोस को कोई जानता नहीं था, अभी इस बार ये फेमस हो गया, तो ये भी बोर्ड अभी दौड़ने वाला है, ठीक है ना, ट्रैक पे आ चुका है। और जितने भी इसमें फर्जीवाड़ा होते थे सब कुछ जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो गाइस चलिए, आज मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी खुशखबरी है मेरे को, बहुत खुश। मैं बीबोस का मैं लगातार इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता था, मेरे को ये चेंजेस देख के बड़ी खुशखबरी मिल रही है। और आप लोगों को ये न्यूज़ देने में, और मेरे को काफ़ी मतलब मेरे को जो है अंदर से काफ़ी वो फील हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट फील हो रहा है बीबोस के लिए, ठीक है, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। क्योंकि गैज, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे डरे रहते थे, तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना गैज। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देने वाला हूँ, देखो मैं पेपर ही पढ़ के बताता हूँ। देखिए, पहली बार बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित हो रही है बीबोस की परीक्षा, ठीक है, और सभी प्रमंडल मुख्यालय में बनेंगे केंद्र। ओके गैज, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, बीबोस की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा 4 अगस्त से स्टार्ट हो गई। तो कब से 4 अगस्त थे, चलिए गैज मैं एक एक करके आपको पढ़ के ही बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड ने बीबोस बिहार मुक्त विद्या शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 4 से 12 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, ठीक है। हर दिन परीक्षा 2 पालियों में होगी। गैज आप ये डरे नहीं, 2 पालियों में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके एक दिन में 2 एग्ज़ाम पढ़ेंगे, पढ़ भी सकता है, ठीक है। मैं आपको अभी डेट शीट अब बताऊँगा आपको, ठीक है, पहले आप तो जान लीजिए ना एग्ज़ाम का टाइमिंग जान लीजिए। हर दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी, ठीक है, 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली जो है आपको 9:30 बजे से यहाँ पे 12:45 तक, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी पाली में गाइज यहाँ पे 2 बजे से, ठीक है ना, 2 बजे से 5:15 तक जो है आपके एग्ज़ाम जो है शाम तक जो है चलेंगे। राज्य के 17,000 के लगभग परीक्षार्थी शामिल होंगे, बिहार के जो है लगभग जो भी स्टेट के जो हैं 17,000 स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में जो है शामिल होने वाले, ठीक है ना गैज। ये अभी 17,000 देख रहे हो ना, कुछ दिनों में ये 17
17,000 देख रहे हो ना, 17 के, तो ये आपको कुछ दिनों में जो है 17 लाख भी, 17 लाख भी आपको जो है नज़र आने वाले हैं, क्योंकि ये वीवो से पहले फेमस नहीं था, कोई जानता नहीं था, अभी ये सारा कुछ जो है आपको ये फेमस हो चुका है, ठीक है ना। और बोर्ड की तरह लोग इनमें जो है अभी एडमिशन वगैरह जो भी है टाइम पे होगा, अभी जो होना था हो गया गाइस, जो भी स्टूडेंट सब थे परेशानी झेलना था, तो ये परेशानी जो है कभी कभी होता है, ठीक है ना। सुधार के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो त्याग की ज़रूरत होती है, तो जो भी सेशन के स्टूडेंट हो धैर्य बना के रख रहे हो उनको जो है हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है गाइज, आप लोग घबराएं नहीं। तो यहाँ पर गाइज सारा कुछ यहाँ पर दे देगा। चलिए गाइज सबसे पहले मैं आपको डेट शीट ही बता देता हूँ, क्या है ना, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने डेट शीट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये है। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे नज़र डाल लेता हूँ एक बार, इस बार भी बताने की कोशिश करता हूँ। राज्य के सभी 9 प्रमंडल में परीक्षा, यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया, इस बाबत तैयारी हो रही है। बता दें कि पहली बार बी बोर्ड की परीक्षा बिहार बोर्ड ले रहा है। दिसंबर 2022 में बी बोर्ड सॉरी बोर्ड की वेबसाइट को हैक करके फर्जी पत्र, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ओके गाइज यहाँ पर नीचे आ जाओ। चलिए मैं 12 अगस्त तक, मतलब 4 अगस्त से 12 अगस्त तक दो पालियों में परीक्षा आयोजित होगी, और 31 जुलाई से 2 अगस्त तक, मतलब 31 जुलाई से इसी मंथ जो ये जुलाई चल रहा है, 31 जुलाई से आपके 2 अगस्त तक आपके प्रायोगिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, ठीक है। याद रखो, अटेंशन आप लोग बिल्कुल ध्यान दें और टाइम पे अपना एग्ज़ाम दें, ठीक है गाइस, और पूरा रेडी रहे। और क्वेश्चन पेपर ले लो भाई, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर जो भी है ले लो, आपके प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, सब कुछ है। तो इस बार तो बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहा है ना, तो सारा कुछ इसमें बताया गया, तो सतर्क रहें। बिहार बोर्ड जो है ज़्यादा चोरी वोरी चलता नहीं है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में वैसे थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन आपको पढ़ के जाना चाहिए, नया नया है तो इस बार टाइट होने वाला है, ठीक है ना। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखें, किस भी क्वेश्चन आसान रहेगा इसका क्या मतलब है, आपको चोरी थोड़ी करने दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस बोर्ड ने जब पकड़ा तो तुरंत ये जो फर्जीवाड़ा हुआ था गाइस, मैंने आपको बता दिया, खुद से पढ़ लें, मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले, देखेगा इस यहाँ पे प्रवेश, मतलब जो परीक्षा आपको 30 मिनट पहले आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस। यहाँ पर देखिए 10वीं की परीक्षा शुरू होने 30 मिनट पहले ही तक प्रवेश दिया जाएगा, नहीं तो उसके बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बताया गया है कि प्रथम पाली के लिए 9 बजे, आपको जैसे 9:30 बजे एग्ज़ाम है तो 9 बजे आपको जाना, ध्यान से सुन ले भाई, बाद में नहीं मैं बताऊँगा। और दूसरी पाली में आपको 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू है, तो 1:30 बजे ही आपको वहाँ पर इंट्री मिलेगी, 1:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है ना। प्रथम पाली 9:30 बजे से और दूसरी पाली 2 बजे से शुरू होगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र की सूचना, छात्रों को प्रवेश पत्र दी जाएगी, अभी कभी कभी भी आपका प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, तो आप याद रखें। बिहार बोर्ड तो भाई पहले प्रैक्टिकल का क्या करता है कि वो शेड्यूल, वो मतलब शेड्यूल क्या उसका एडमिट कार्ड जारी करता है, उसके बाद थ्योरी का जारी करता है। तो देख लो इस बार क्या करने वाला है, प्रैक्टिकल थ्योरी का एक ही साथ कर रहा है या अलग अलग कर रहा है, तो आपको कुछ ही दिनों में जो है वेबसाइट पर जब डाउनलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। प्रथम पाली में गृह विज्ञान की परीक्षा आयोजित होगी, यहाँ पर गैज यहाँ पर देखो गैज प्रायोगिक की परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे गाइज देख सकते हैं, तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये, चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये आपको जो है प्रायोगिक परीक्षा जो है 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 2 अगस्त तक। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है 31 जुलाई को प्रथम पाली में गृह विज्ञान और दूसरी पाली में जो है यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की प्रयोग की परीक्षा होगी। दूसरी तरफ से 1 अगस्त को योगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त को योगा एवं शारीरिक परीक्षा और विज्ञान प्रथम और द्वितीय पाली में होगी। तीसरे दिन यानी 2 अगस्त को जो है प्रथम पाली में चित्रकला विषय की प्रायोगिक परीक्षा होगी, ठीक है। इस तरह से आपको प्रायोगिक परीक्षा होगी। और चलिए गाइस अब मेन परीक्षा पर जो है, मेन हमारा जो है मेन परीक्षा पर जो है फोकस डाल लेते हैं। 4 अगस्त से गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आपको विज्ञान फर्स्ट पाली में 4 अगस्त को, याद रखें ये हमारा डेट शीट रहेगा, 4 अगस्त को जो है गाइस आपको क्लास 10th का एग्ज़ाम जो है थ्योरी का एग्ज़ाम होएगा, ठीक है। वो फर्स्ट पाली में विज्ञान और द्वितीय पाली में जो है आपको योग व शारीरिक परीक्षा। 5 अगस्त को जो है गृह विज्ञान, 5 अगस्त को जो है गाइस क्या होगा गृह विज्ञान होगा, उसके बाद जो है क्या है 5 अगस्त को जो है आपको गृह विज्ञान होगा और बेसिक कंप्यूटर होगा, मतलब प्रथम और द्वितीय पाली में। 6 अगस्त को आपको शायद संडे पड़ रहा है तो छुट्टी होगा, तो 7 अगस्त को जो है चित्रकला होगा, ड्राइंग होगा और मैथ होगा, गणित होगा। 8 अगस्त को जो है हिंदी होगा और
प्रथम पाली में हिंदी और द्वितीय पाली में संस्कृत, 9 अगस्त को अंग्रेजी प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान, 10 अगस्त को उर्दू और फर्स्ट पाली में जो है फर्स्ट सीटिंग में जो है आपको उर्दू और सेकंड सीटिंग में जो है भारतीय संस्कृति एवं विरासत, 11 अगस्त को आपको जो है व्यवसाय अध्ययन फर्स्ट पाली और द्वितीय पाली में मैथिली, 12 अगस्त को जो भोजपुरी और बंगला फर्स्ट पाली में और द्वितीय पाली में जो अरबी फारसी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से गाइस जो है आपके एग्ज़ाम के शेड्यूल हो गए 4 अगस्त से 12 अगस्त तक जो है टेंथ की जो है, और उसी और बात मैं कर लेने वाला हूँ ट्वेल्थ का एग्ज़ाम। ट्वेल्थ का एग्ज़ाम गाइस अब जब टेंथ का हो गया तो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम भी होगा। देखो भाई मेरे थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो रहा है एग्ज़ाम, क्या करोगे, इस बार बहुत अच्छे से हो रहा है सब कुछ, तो इसीलिए थोड़ा सा बिहार बोर्ड ले रहा है तो उन्होंने जो है जारी करने में सब कुछ करने में तैयारी करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे भी आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई में ही स्टार्ट हो गया, पहले ये बात आ रही थी 16 तारीख से तो संभव नहीं हो पाया, तो आपका एग्ज़ाम जो है फिर भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। वहीं पर आपका जो है जो हमारा ट्वेल्थ का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाएगा, अब अगस्त में ही रिज़ल्ट भी आने हैं टेंथ क्लास के जो अगस्त में ही रिज़ल्ट भी आ जाएंगे, तो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जो है अगस्त में ना होकर के मेरे हिसाब से सितंबर तक जाने वाला है, ठीक है। तो आप देख लो अब तो सामने है सारा कुछ जो है क्लियर होने वाला है, तो सितंबर में मेरे हिसाब से शायद ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जा सकता है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम ज़रूर आपका जो है अगस्त के लास्ट में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 अगस्त तक जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहे ना भाई, 12 अगस्त तक ख़त्म हो रहे, तो इसका मतलब लास्ट में अगस्त के लास्ट में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है ट्वेल्थ का, एक अनुमान में बता रहा हूँ, अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। और ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जो है सितंबर में फर्स्ट वीक में भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो ये सारा कुछ रहने वाला है। तो देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, अब जो भी है भाई सामने है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। आपका अब ये तो नहीं है कि भाई एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, तो ये तो क्लियर हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है अभी बहुत बढ़िया से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब जो भी है गाइस, मैंने आपको सारा पेपर मैंने पढ़ दिया और वीडियो होगी लंबी, लेकिन मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देने वाला हूँ, 17,000 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं इस बार, और यहाँ पर मिस्टर ओम प्रकाश यादव ने क्या बोला है, तो इस बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ले रहा है, सब कुछ बिहार बोर्ड ले रहा है। तो मैंने सारा अपडेट दे दिया गाइस, ठीक है ना, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बना लो भाई, बहुत काम आने वाले हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जिन्होंने भी नहीं लिया है टेंथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमारे ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके बगल में ज्वाइन का है, जाओ ज्वाइन करो, ठीक है। 159 का ऑफर चला रखा हम लोगों ने, 159 का ज्वाइन करो, आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम लोग आपको देंगे, और कुछ दिन बाद जो हम आप लोगों को जो है एग्ज़ाम के जो है ओरिजिनल जो पूछे जाएंगे वो जो हम बताएंगे वही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहो और तैयारी करते रहो। इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो क्वेश्चन पेपर है जो पहले हम लोगों ने सॉल्व करवा रखे हैं, तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। हमारे चैनल पर सर्च करो वीवोस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ओपी स्टडी सॉल्यूशन लिखना, उस पर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ भाई पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो जाकर के पढ़ो जितना पढ़ना है, एग्ज़ाम की तैयारी करो, बाद में ये ना हो कि आप फेल कर जाएँ, तो आपको मैं पहले सतर्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहो। एडमिट कार्ड आपका आएगा, मैं डाउनलोड करके बताएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड जो है कुछ ही दिनों में जारी होएगा, तो हम लोग डाउनलोड करके जरूर आपको बताएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो होगी लंबी, उम्मीद करते हैं आज की जो वीडियो जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, धमाकेदार अपडेट के लिए मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।